हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? और आज आप लोगों के साथ लाइव कुछ बातें शेयर करने का मन था, और क्योंकि 14th आने वाली है, 14th दिसंबर, हम एक ऐसा दिन मान के चलते हैं जिस दिन कुछ बहुत बड़ी चीज़ें इंडस्ट्री में होने वाली है। एक ऐसा दिन जिस दिन बहुत सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव दिशा लेने वाली हैं। और अगर मैं उससे पहले आज लाइव हूँ तो कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ की बहुत बहुत बधाई देने वाला हूं कि ये 4 साल आपने बहुत ही कमाल तरीके से काम किया है। आप लोगों ने इतना लाजवाब परफॉर्म किया है, और इस जैसी शुरुआत इस दिसंबर महीने की हुई है, मुझे पूरा यकीन है कि ये महीना सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है, हर एक रिकॉर्ड टूट जाएगा। 4 साल का ये सबसे बड़ा महीना होने वाला है, क्योंकि अगले महीने हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं, और अगली बार जो एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करने वाले हैं वो लीडर्स का महाकुंभ होने वाला है। लीडर्स का महाकुंभ, अचीवर्स का महाकुंभ, और ऐसा महाकुंभ जिसको देखने के लिए, जिसको जब लोग देखेंगे, मैं बात नहीं करता हूं कि हम बहुत भीड़ भड़ाके के साथ मनाएंगे, पर हम जिस शानदार तरीके से उसे मनाएंगे वो अपने आप में एक बेहतरीन और नायाब तरीका होगा। हमारे लीडर्स से इंडस्ट्री मिलेगी, हमारे लीडर्स किस लेवल पे काम करते हैं उससे इंडस्ट्री रूबरू होगी, हमारे लीडर्स क्या क्या कर चुके हैं उससे इंडस्ट्री रूबरू होगी, हमारे अचीवर से इंडस्ट्री रूबरू होगी, लोग रूबरू होंगे, हमारे लीडर्स ने कितने घर बनाए हैं उससे इंडस्ट्री रूबरू होगी, हमारे कितने लीडर्स के क्या क्या पेआउट बने, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स लिए उससे इंडस्ट्री रूबरू होगी, और कंपनी क्या क्या नया करने वाली है और क्या क्या नया करेगी एनिवर्सरी वाले दिन, वो एक कमाल होगा। बहुत ही लाजवाब एनिवर्सरी होने वाली है, और इस बार की एनिवर्सरी बहुत खास है। और एनिवर्सरी से पहले मुझे लगता है 14 दिसंबर ही बहुत खास है। 14th दिसंबर एक ऐसा डे हम लोग मनाने की तैयारी में हैं कि जिस दिन जब मार्केट में वो चीज़ें जाएंगी जो हम करने जा रहे हैं, तो एक अलग लहर होगी, एक अलग मुकाम होगा, एक अलग रुतबा होगा। आपकी कंपनी वो सारी चीज़ें करके आगे बढ़ रही है जो शायद ही किसी कंपनी ने 4 साल में, छोड़िए 10 साल में भी किए हों। इंडस्ट्री में हमेशा कुछ चीज़ें बड़ी काम आती हैं, बहुत बड़ी काम आती हैं। वो काम आती हैं कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, क्या आपकी कंपनी ऐसी है जो कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा खर्च करती है कि आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में लीडर्स को जो चीज़ें चाहिए वो मुहैया कराएं। न सिर्फ हमने पैकेजिंग अच्छी की, ना हमने प्राइस अच्छा किया, बल्कि हमने वो सारी चीज़ें, पैटा सर्टिफिकेशन की बात करें, पैराबेन फ्री की बात करें, आप SLS फ्री की बात करें, वो सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। इनफैक्ट मार्केट में आने वाले समय में जो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं वो तो गेम चेंजर होंगे ही होंगे, क्योंकि अब समय आ गया है कॉफीज आने का, अब समय आ गया है आपकी चाय आने का, अब समय आ गया है आपके लिए नए नए प्रोडक्ट्स आने का, अब समय आ गया है मार्केट को फिर से एक नए लेवल पे लेके जाने का। बहुत सारे चीजें मैं हमेशा कहता हूं, इस इंडस्ट्री में जो सबसे पहली चीज आपको अलग बनाती है वो बनाती है इतने कम समय में आपकी अचीवमेंट्स। बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूं कि ओके लाइफ केयर में ऐसा क्या है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ओके लाइफ केयर में ऐसा क्या है कि लोग ओके लाइफ केयर को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें दो चीजें कहता हूं, जो लोग लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, जो लोग लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं वो ओके लाइफ केयर में आते हैं, जो लोग नीचे रहना चाहते हैं, ग्राउंड पे रहना चाहते हैं, जो जिनको आज की परवाह है, जो गैटिंग सेटिंग बैटिंग वाले लोग हैं, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, उनके लिए हर जगह के दरवाजे खुले हैं। हमारी कंपनी में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन की हैं, इस तरीके से उनको डेवलप किया है कि हमारे साथ काम करने वाले लीडर्स वक्त के साथ ग्रो करते चले जाते हैं, अचीवर बनते चले जाते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, आप हमारे हिंदुस्तान के किसी भी कोने के किसी भी लीडर को उठा के देखिए जो अचीवर बन चुका है, किसी भी कोने में, आप नॉर्थ ईस्ट की बात कीजिए, आप ईस्ट की बात कीजिए, आप साउथ की बात कीजिए, आप वेस्ट की बात कीजिए, आप नॉर्थ की बात कीजिए, आप सेंटर की बात कीजिए, आप जहां से मर्जी बात कीजिए, एक लीडर से मिलिए और उस लीडर की हिस्ट्री को देखिए और जानिए क्या वो हमारे साथ आने से पहले भी उतना ही सक्सेसफुल था, क्या उसके पे आउट उतने ही बड़े थे। अगर नहीं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है ओके लाइफ केयर, आपके लिए एक ऐसा
चांस है जहां पे आप मेहनत करें, परफॉर्म करें, तो आप वो चीजें अचीव कर सकते हैं जो अचीव करने के लिए आप सालों से इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। जिन सपने के साथ आप इस इंडस्ट्री में आए थे, जिन चीजों को लेके आप इस इंडस्ट्री में आए थे, जिस सोच को लेके आप इस इंडस्ट्री में आए थे और सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस सोच को पूरा करने का नाम है ओके लाइफ केयर। यहां पे न जाने कितने लोगों ने अपनी सोच को हकीकत में बदला है। आप नॉर्थ ईस्ट के बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट से लाखों रुपए महीना कमाने वाले लीडर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में 20 लाख रुपए महीना कमाने वाले लीडर्स हैं। आप साउथ की बात करेंगे तो साउथ में हमारे साथ बहुत अच्छे लीडर्स हैं। आप नॉर्थ की बात करेंगे तो पूरी इंडिया जानती है नॉर्थ में किस लेवल के लीडर्स डेवलप हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज द गेम एंड 14th of December एक ऐसी तारीख होने वाली है जो इतिहास को एक नया आयाम देगी, जो डायरेक्ट सेलिंग को एक नया रुतबा देगी, जो डायरेक्ट सेलिंग में ये बताएगी कि ओके लाइफ केयर अगले 1 साल में वो करने वाली है जो 4 साल में नहीं किया। जितने लोगों ने पे आउट जो बनाए हैं पिछले 4 साल में, उससे कई गुना ज्यादा लोग 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में अचीव करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, सर आपकी कंपनी अचीवर्स की कंपनी है, आपकी कंपनी लीडर्स की कंपनी है, आपकी कंपनी टॉप अर्नर्स की कंपनी है, आप नीचे ध्यान क्यों नहीं देते हैं। मैं कहता हूं, मैं नीचे ध्यान इसलिए देता हूं, आप माने या ना माने, मैं नीचे ध्यान देता हूं। और मैं नीचे से जो मेहनती लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, जो अपने खून पसीना लगा के काम करते हैं, उन लोगों को उठा के ऊपर ग्रो करा के ऊपर लेके जाने में बिलीव करते हैं हम लोग एज ए कंपनी। हम लोगों का टारगेट ये नहीं है कि वो नीचे रहें और उनको नीचे का इंतजाम करके दे दें और वो नीचे सुखी रहें। हम चाहते हैं कि वो नीचे कभी ना रहें, वो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें, एक ऐसी कंपनी दें जहां वो मेहनत करें तो उसकी मेहनत के बदले में उनको मेहनताना वक्त के साथ बढ़ के मिले, और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़े, जैसे जैसे उनकी सेल बढ़े, तो उनको उसका पे आउट बढ़ते हुए उनके पसीना सूखने से पहले उनके अकाउंट में मिले। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बातें करते हैं इस इंडस्ट्री में। हम जब से आए हैं तब से हम ये सुनते आए हैं, अलग 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 मानसिकताएं, अलग 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 लेवल पे अलग अलग चैलेंजेस। वो लोग जानते नहीं हैं हम इन चैलेंजेस से 20 साल से रूबरू हैं। वो लोग जानते नहीं हैं चैलेंजेस हमें बहुत पसंद आते हैं, और हमें एक ही चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है, वो है हमारे लीडर्स के बढ़ते हुए पे आउट, वो है हमारे लीडर्स की बदलता हुआ लाइफस्टाइल, वो है हमारे लीडर्स के घर में जाने वाला पैसा, वो है उनको मिलने वाले वो अच्छे प्रोडक्ट, जिन प्रोडक्ट्स को यूज करके वो लोग प्राउड फील करते हैं कि हमारी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है। एंड मैं बहुत यकीन भरोसे और इत्मीनान के साथ कहने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, 14 दिसंबर के बाद जो चीजें आप लोगों के सामने आएंगी वो चीजें आपको नए लेवल पर जाने के लिए मोटिवेट करेंगी। क्योंकि हम कभी भी ड्रीम ड्रीवन कंपनी नहीं रहे, हम लोग हमेशा ही रियलिटी पे काम करने वाले लोग हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हा कार ले लो, कार ले लो, कार कार का हाहाकार करने वाले बहुत हैं। हम पहली कंपनी हैं जो घर की बात करते हैं। इस कंपनी में लाइफस्टाइल बदलने वाले बहुत लोग हैं। हम पहले लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ ये बात करते हैं। हम पहली कंपनी है जो ये बात करते हैं कि आप अपने बच्चों का इंश्योरेंस कराएं, हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, अपनी फैमिली का अपना इंश्योरेंस कराएं, अपने लिए छोटी छोटी सेविंग्स करें, शो ऑफ में ना जाएं। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के विपरीत मानते हैं हमें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्री ऐसे ही चलनी चाहिए। इस इंडस्ट्री में कार से पहले घर होना चाहिए, इस इंडस्ट्री में दिखावे से पहले बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए, उनकी स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, घर का एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हद तक अगर आप लोग देखेंगे तो ओके लाइफ केयर को क्यों नेगेटिव मार्केट किया गया है आज तक, तो आपको समझ में आएगा कि हमें नेगेटिव मार्केट करने के पीछे एक ही चीज है कि कुछ लोग जो धड़ल्ले से मार्जिन मुनाफाखोरी कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठी, जो लोग रैंक बेस्ड बिजनेस कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठी, जो लोग बल्क सेल कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठी, जो लोग दिखावा कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठी, और एक ऐसे जो 2500 तरह के चैलेंजेस थे डायरेक्ट सेलिंग को लेके उनके खिलाफ आवाज उठी। और उसके बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनती है जो बड़े इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इंडियन प्राइस पे लेके आती है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मैं फिर बोलना चाहता हूं, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि आज इंडस्ट्री में जो भी कंपनी आ रही है वो ओके को कॉपी करके आ रही है।
इस आज इंडस्ट्री में जो भी कंपनी आ रही है हमारे प्रोडक्ट के प्राइस की बातों को कॉपी कर रही है, हमारे से सस्ता बेचने की बातें हो रही हैं, हमारे से कम प्राइस पे बेचने की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप जो मर्जी कर लीजिए, वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो क्वालिटी हम डिलीवर करते हैं, आप वो प्राइस डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो प्राइस हम डिलीवर करते हैं, आप वो पे आउट डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो पे आउट हम डिलीवर करते हैं, आप वो ईमानदारी डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो ईमानदारी हम डिलीवर करते हैं, आप वो ऑनेस्टी डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो हम करते हैं, आप वो डेडिकेशन डिलीवर नहीं कर पाएंगे जो हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिनल हैं। आज तक इस इंडस्ट्री का इतिहास उठाएंगे, इंडिया में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसने किसी को कॉपी किया हो और वो सक्सेसफुल हुई हो, सिर्फ ओरिजिनल से सक्सेसफुल होते हैं। और ऑर्किड लाइफ केयर इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने ना कभी किसी का प्लान कॉपी किया, ना किसी का प्रोडक्ट कॉपी किया, ना किसी का प्राइस कॉपी किया, ना किसी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कॉपी किया, ना किसी का एजुकेशन कॉपी किया, ना किसी की आइडियोलॉजी कॉपी की। हमने अपनी आइडियोलॉजी लेके आए, जो हमारा 20 सालों का, 15 सालों का, 16 सालों का, 17 सालों का जो दर्द था एज ए नेटवर्कर, एज ए डायरेक्ट सेलर, हमने उस दर्द को समझते हुए उसमें जो जो चैलेंजेस डायरेक्ट सेलिंग में आते थे उन चैलेंजेस को रिमूव करके जो जो चीज़ें हम हमारे लोगों के लिए बेहतर कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की, चाहे वो प्रोडक्ट का रेट था, चाहे वो उसकी पैकेजिंग थी, चाहे वो उसकी क्वालिटी थी, चाहे वो साइड मेंटेनेंस को हटाना था, चाहे वो को हटाना था, चाहे वो बल्क सेल को हटाना था, चाहे वो ड्रीम सेलिंग को हटाना था, चाहे वो आपका ओवर प्राइसिंग के साथ काम करना था। हमने उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का संकल्प लिया जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग की तरफ लेके जाए, जहां पे प्राइस वॉर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी डिलीवर करना हो और फिर प्राइस भी उस लेवल पे रखना हो कि वो इंडियन पॉकेट को अलाउ करें, वो कंपनी टू कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट पे खरा उतरती है। ऐसा करने वाली वी आर द फर्स्ट कंपनी। इस आइडियोलॉजी को हिंदुस्तान में 25 साल की डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में लेके कौन आया? वी आर द वन, हम लेके आए। और उसी आइडियोलॉजी को आज कॉपी कौन कर रहे हैं? दुनिया भर के लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है 25 साल में कॉपी करने वाला कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा नहीं हुआ। कॉपी करने के लिए भी आपको ईमानदार होना पड़ेगा, कॉपी करने के लिए भी आपको डेड ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और हम एक ही चीज के लिए जाने जाते हैं, वो है हमारी ईमानदारी, वो है हमारे एथिक्स। आज भी हजारों लीडर्स आते हैं, कोई कहता है हमें प्लेसमेंट दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, हमने कभी उसे अंडरस्टैंड किया ही नहीं, हमने उसे कभी एग्री किया ही नहीं। हम एक कमिटमेंट लेवल लेके चलते हैं कि 14 दिसंबर के बाद ये इंडस्ट्री एक नई दिशा की तरफ जाए। कंपिटिटर्स कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में स्टेबिलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग एंड स्टेबिलिटी विद ग्रोथ इज द बेस्ट थिंग। मैं हमेशा कहता हूं इस इंडस्ट्री में, मैंने आज से मेरे 3 साल पहले, 4 साल पहले, 2.5 साल पहले, 1 साल पहले, जितने भी किसी ने मेरे आज तक लाइव देखे हैं या कोई भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, तो मैं हमेशा कहता हूं मैं इंडिया की लगभग 8 से 10 कंपनियों की और इंटरनेशनल 8 से 10 कंपनियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत रिगार्ड करता हूं। क्यों? क्योंकि उन कंपनियों ने स्टेबिलिटी दी है, उन कंपनियों ने लोगों की लाइफ्स में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आई हैं वो कंपनीज, उन कंपनीज ने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया है। और मैं हमेशा कहता हूं हम उन जैसा बनना चाहते हैं, इनफैक्ट उनसे बेहतर बनना चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी के साथ आगे जाना चाहते हैं, हम आगे जाना चाहते हैं लोगों को ग्रोथ देने के लिए, हम जाना चाहते हैं कि लोग ये बोले कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ओके लाइफ केयर एक ऐसा रिवोल्यूशन है जहां पे अपने लोगों के बारे में सोचा जाता है, जहां उनकी ग्रोथ के बारे में सोचा जाता है, जहां उनको अचीवर बनाने के बारे में सोचा जाता है, जहां उनको अच्छी सर्विसेज देने के बारे में सोचा जाता है, जहां उनको सुनने के बारे में सोचा जाता है, जहां उनको बेहतरी के बारे में सोचा जाता है, जहां उन्हें गाड़ियां दिला के रोड पे खड़ा करने से अच्छा उनके लिए घर बनाने के बारे में सोचा जाता है, जहां उनके ये एजुकेट किया जाता है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस कराइए। हम उस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जाना चाहते हैं कि जब भी कभी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की बात हो तो एक बात हो कि ओके लाइफ केयर जिस दिन से आई, उस दिन से डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट्स आना शुरू हो गए हैं, उस दिन से डायरेक्ट सेलर्स के लिए इस इंडस्ट्री में बेहतर चीजें होना शुरू हो गई हैं, तो पूरी इंडस्ट्री में प्राइसेस चेंज हुए, पूरी इंडस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स में बदलाव आए। और ये बदलाव मेरे अकेले की नहीं है, ये बदलाव आप सबकी ताकत है। इस ताकत को जितनी मजबूती से आप आगे लेके बढ़े हैं, उसी मजबूती का नतीजा है कि 14 दिसंबर को हम लोग कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिन चीजों को देखने के बाद ये तय हो जाएगा कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हम सबसे कम समय में प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। ये तय हो जाएगा कि हम क्या क्या और ऐसा करने वाले हैं कि हमारे लीडर्स और स्ट्रांगली आगे बढ़े और उनके पे आउट्स ग्रो करें।
हमारी इंटेंशन हमेशा एक चीज़ की रहती है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप हमेशा बात करते हैं आपके लीडर्स नंबर वन बने, आपके अचीवर्स नंबर वन बने, आप हमेशा कहते हैं कि आप हाईएस्ट अर्नर प्रोड्यूस करना चाहते हैं इंडस्ट्री का। आपने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप इंडिया की नंबर वन कंपनी बनाना चाहते हैं। बहुत बार मुझसे लोगों ने पूछा और मैंने कहा कि मैं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं, मैं हमारी कंपनी को इंडिया की नंबर वन कंपनी नहीं बनाना चाहता हूं, वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी नहीं बनाना चाहता हूं, पर मैं एक ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूं जहां पे काम करने वाले लोग खुश हों, जहां पे काम करने वाले लोगों को पसीना सूखने से पहले पैसा मिलता हो, जहां पे काम करने वाले लोगों को अपने एक रुतबा मिलता हो, जहां पे काम करने वाले लोगों के पे आउट ऐसे चले कि उनके घर पे खुशहाली आती हो। और मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जरूर बनाना चाहता हूं जो ये साबित करे कि कंपनी भले ही नंबर वन हो ना हो, लेकिन उसके लीडर्स नंबर वन बन सकते हैं और वो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के नंबर वन अर्नर्स भी बन सकते हैं। हमारी पूरी प्रायोरिटी उसी पे है, हमारा पूरा सर्विस, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा जितना भी हमने इन्वेस्ट किया है पिछले एक साल में शायद ही किसी कंपनी ने किया हो, चाहे फैक्ट्री बनाने को लेके हो, चाहे वेयर हाउस बनाने को लेके हो, चाहे ऑफिस को बनाने को लेके हो। और 14 दिसंबर को कुछ चीजें ऐसी और आप लोगों के सामने आएंगी जो आपको और बड़ा करने के लिए प्रेरित करेंगी। मुझे यकीन है ये महीना जिस तरीके से आप लोगों ने शुरू किया है, जिस तरीके से आप इस महीने को लेके जा रहे हैं, आप लोग बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। जनवरी में हमारा जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है उसमें बहुत सारे लोग अचीवर बन के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में परचम लहराने वाले हैं। और इस परचम को और मजबूती देने के लिए 14 दिसंबर को हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि वो झंडा हमेशा लहराता रहे, वो झंडा कभी झुके नहीं, वो आप लोगों का गौरव, वो आप लोगों का सम्मान कभी मिटे नहीं, कभी झुके नहीं। 14 दिसंबर, और ये महीना मैं हमेशा कहता हूँ दिसंबर महीना बहुत खास होता है क्योंकि इसके जस्ट अगले महीने हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। और उस एनिवर्सरी में जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, उस एनिवर्सरी में जब हम लोग आते हैं, उस एनिवर्सरी में जब हम लोग मिलते हैं, तो हमारा ये परिवार एक साथ होता है। और इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है कि आप लोग नाजवाब तरीके से आगे बढ़े। आइए मिलके एनिवर्सरी की तैयारी करते हैं। और 14 दिसंबर से हम लोग एक ऐसी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं कि आपको काम करने में और मजा आएगा। बड़ा धमाका, बड़ी तैयारी, बड़ी खुशहाली और अपने लीडर्स को साथ लेकर चलने का एक जुनून, जोश, जज्बा, यही हमारी पहचान है। और इसी के साथ हम आपसे एक वादा करते हैं कि हम हमेशा आपकी सेवा में तत्पर थे, हैं और रहेंगे। ये एनिवर्सरी हिंदुस्तान में बहुत बड़े बदलाव के लिए जानी जाएगी। आप लोगों के अचीवमेंट्स इस इंडिया में बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करेंगे। आप आगे बढ़िए, वी आर विद यू एंड थैंक यू वेरी मच कि आप इस 4 साल के सफर में हमारे साथ डट के बने रहे और सारे रिकॉर्ड्स आप तोड़ते चले गए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।